प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए हेमंत सरकार ने राज्य में सेमी लॉकडाउन करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य में स्कूल कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान को बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं पार्क स्टेडियम जिम स्विमिंग पूल आदि को भी अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया। यह व्यवस्था आगामी 15 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को बंद से छूट दी गई है। सोमवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया। सोमवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए हेमंत सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। जारी गाइडलाइन के तहत कई चीजों को बंद रखने का निर्णय लिया गया, वहीं कई को पूर्व की भांति ही छूट बरकरार रखी गई। सेमी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं को बंद से छूट दी गई है। इन चीजों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। स्कूल कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे। स्टेडियम आउटडोर इंडोर पार्क जिम जू स्विमिंग पूल पर्यटक स्थल बंद रहेंगे। मॉल रेस्टोरेंट बैंक्वेट हॉल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। शादी और अंत्येष्टि में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिली है। दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। दवाई दुकान नॉर्मल टाइम तक खुले रहेंगे। सरकारी और निजी संस्थानों में 50% क्षमता पर काम होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम बंद रहेगा। हाट और बाजार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुले रहेंगे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।